यमुनानगर के प्रताप नगर में 90 साल की महिला की मौत के बाद उसे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। किसी को मरने के बाद 2 गज जमीन भी हासिल नहीं हो सकती, ये सुनकर अटपटा जरूर लगा होगा, लेकिन यमुनानगर के प्रताप नगर में हकीकत में कुछ ऐसा ही हुआ। यमुनानगर की रहने वाली 90 साल की महिला की मौत होने के बाद जब उसके परिवार वालों ने कब्रिस्तान वालों से संपर्क किया तो किसी ने उन्हें कब्रिस्तान में आने की अनुमति नहीं दी और ना ही शमशान भूमि में किसी ने कब्र खोदने की जगह दी, क्योंकि महिला ईसाई धर्म की थी। ऐसा ही यहाँ पे एक वृद्ध महिला रहती थी गीता कॉलोनी में, तो उसकी कल रात देहांत हो गया था। सुबह कल रात को उसकी लड़कियाँ वगैरह जो चंडीगढ़ में रहती थी वहाँ से आई थी, उन्होंने उसको उसके दफनाने के लिए यहाँ पे पर तो घर में उसको दफनाने लगे, तो फिर वहाँ के पब्लिक आगे के यहाँ घर में दफना रहे हैं तो मना किया जाए बाहर जहाँ पे शमशान घाट है वहाँ पर दफना है। तो हमने जाके उनकी बातचीत करवा दी थी, पंचायत को कहा था कि उनको गाँव के बाहर जहाँ भी शमशान घाट है वहाँ पर जगह दें और इसको दफना लेंगे। 3-3 जगह कब्र खोदने के बाद महिला की कब्र दोबारा से इसलिए बंद करनी पड़ी कि हर जगह धर्म के ठेकेदार अड़े हुए थे। आखिरकार महिला की बेटियों को अपनी मां का शव जगाधरी लाना पड़ा और यहां लाकर शव को क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफनाना पड़ा। तो पंचायत ने वहां को जंगल के पास जमीन में जगह दे दी थी कुटीपुर के पास, तो जब वहां पे उन्होंने बीच में ही खोद दी उन्होंने जो उसको दफनाने के लिए थी, जो बीच में खोद दी, फिर वहाँ के कुटीपुर गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि जी बीच में ही खोद रहे हैं यहाँ पे ना खुदवा के ना साइड में ही इसको दफनाया जाए, तो मौके में अप्रोच गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर नहीं दफनाएंगे, परिवार वाले बोले कि हम जगह दे ले जाएंगे इसको, तो वो जगह दे ले गए उसको दफनाने के लिए। महिला के शव को दफनाने के लिए परिवार के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, हालांकि परिवार के लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।